Hello everyone, a very good evening to all of you. As we all know, IFS ki notification out ho chuki hai for the post of grade A officer, that is assistant manager. Now, if you are targeting this exam, you have two options. The first one is self-study and the second one is to buy a course. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सेल्फ स्टडी करें या कोर्स बाय करें. अगर हम सेल्फ स्टडी करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है, दैट इज वी हैव टू फाइंड द रिसोर्सेस, राइट, जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. और एज वी ऑल नो, वी हैव ओनली 1 month लेफ्ट. अगर हम अपना मैक्सिमम टाइम रिसोर्सेस को ढूंढने में लगाएंगे तो पढ़ेंगे कब? तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव अब आता है हमारे पास कि वी बाय अ कोर्स, राइट. अब कोर्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं कि हमारे पास सारा सिलेबस, सारा मटेरियल एक ही प्लेस पे अवेलेबल हो जाता है. जस्ट वी हैव टू रिलाय ऑन दैट कोर्स. मींस इफ यू आर बाइंग आवर कोर्स, देन यू हैव टू रिलाय ऑन अस कि हाँ, जो इन्होंने कंटेंट दिया है वो बहुत अच्छा होगा, राइट. प्लस एडवांटेजेस क्या है, इफ यू हैव गोन थ्रू सिलेबस, फेज टू में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आती है, वो कहीं ना कहीं आपको एक मेंटोर चाहिए होगा जो इवेल्युएट करे और आपको बताए कि आप कहां गलतियां कर रहे हो. प्लस अगर आप सेल्फ स्टडी की और भी जाओगे तब भी आपको एग्जाम से पहले मॉक्स खरीदने पड़ेंगे, बाय करने पड़ेंगे, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, राइट और रॉन्ग. मॉक्स आपको बाय करने पड़ेंगे. सो अगर हम सीरियसली ही टारगेट कर रहे हैं इस एग्जाम को, देन व्हाई नॉट बाय अ कोर्स राइट नाउ. आज ही हम कोर्स क्यों ना ले लें, राइट. क्योंकि तब भी हमारे पास एक टारगेट होगा, एक एम होगा, एक पाथ होगा जिस पे चल के हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, राइट. डेस्टिनेशन हम सबको पता है, पाथ को डिफाइन करना is the important point at this point, कि आप self study करेंगे या course पे कैसे चलेंगे. तो जिसका path सबसे बढ़िया होगा, जिसका path best होगा, smooth होगा, वो ही destination तक पहुंच पाएगा, that is कि job को पा पाएगा, right. तो जैसे बाकी students demand भी कर रहे थे, so we have also launched a course जहां पे आपको सारे syllabus, सारे पीडीएफ, सारा कंटेंट एक प्लेस पे अवेलेबल हो जाएगा. नाउ यू हैव टू रिलाय ऑन अस ओनली कि हाँ, इन्होंने जो कंटेंट दिया बेस्ट है, हमारे बेस्ट मेंटर्स ने इस कंटेंट को क्रिएट किया है. यू हैव टू फोकस ऑन स्टडिंग रेदर देन सर्चिंग फॉर कंटेंट, राइट. एक बार मैं आपके साथ कोर्स को डिस्कस कर लेता हूं कि आपको कोर्सेज में क्या क्या चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है. तो एक बार चलो बिफोर आपको कोर्स दिखाऊं, एक पॉइंट मेरा कमेंट माइंड में आ गया. कल मैंने वीडियो क्रिएट करी थी तो उसमें कमेंट था कि सर देयर आर ओनली 10 पोस्ट फॉर एन अनरिजर्व्ड कैटेगरी. तो आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं. आई थिंक 2-3 days पहले ही एक नाबार्ड का टॉपर इंटरव्यू देने आया था हमारे पास. एज ऑल ऑफ यू नो, उसकी नाबार्ड के रिजल्ट आए हैं कुछ टाइम पहले. तो नाबार्ड के टॉपर का नाम था आई थिंक गुलशन. तो जिस पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया था वहां पे सिर्फ सीट्स थी टू, सिर्फ टू सीट्स. अगर गुलशन ये सोच लेता कि यार दो पोस्ट है, दो सीट्स है, मेरा कहां होएगा, तो शायद वो कभी नबार्ड में जा ही ना पाता. उसने ये फोकस नहीं करा कि दो सीट्स हैं, उसने ये फोकस करा कि मुझे एक सीट चाहिए. अगर आप मेरे पे बिलीव नहीं कर रहे, आई थिंक उनकी वीडियो भी आ चुकी होगी यूट्यूब चैनल पे, आप चेक कर सकते हो. नबार्ड के टॉपर हैं. तो जो उनकी पोस्ट थी वो जनरल पोस्ट नहीं थी, आई थिंक लैंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई पोस्ट थी जिसमें सिर्फ टू सीट्स थी. उनके पास टू सीट्स थी, उनको एक चाहिए थी. आपके पास तो फिर भी 10 सीट्स हैं, आपको उसमें से एक चाहिए, राइट. तो वो चीज तो भूल जाओ, 10 सीट्स हैं, 20 सीट्स हैं, आपको एक सीट चाहिए, आपको उस पर टारगेट करना है, आपको अपना पाथ बनाना है इस टाइम बैठ के कि हाँ, इस पाथ को फॉलो करके मैं उस एक सीट पे जाके बैठूंगा, इस एग्जाम को क्रैक करूंगा.
ठीक, अब एक बार अपने कोर्स से आपको मिलवा देता हूं। देखो, इफ यू लॉग इन एट anujjindal.in, तो पहले तो आप चेक कर लेंगे कि जो आपका सेगमेंट्स है, सेगमेंट्स पे जाके IFSCA पे जाके क्लिक करके सेव कर लीजिएगा। ठीक, व्हेन यू सेव इट आपको एक कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, दैट इज IFSCA Grade A 2023, और ये कंप्लीट कोर्स है फॉर Phase 1 and Phase 2। इस कोर्स में आपको PDFs, वीडियो लेक्चर्स, मॉक्स, क्विजेज, सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल हो जाएगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। राइट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि हमारे पास जो टाइम फ्रेम है दैट इज वेरी लिमिटेड, वी हैव ओनली 1 month, हमें सिर्फ पढ़ना है, भटकना नहीं है। राइट, तो अब मैं आपके साथ एक बार कोर्स को एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले कोर्स में आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे इंग्लिश एंड वर्बल एबिलिटी के, दैट इज जो कि आपका फेज वन में पेपर वन है, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल एंड वर्बल रीजनिंग, और उसके प्रैक्टिस टेस्ट सबके। ठीक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सर ने आपको मेंटर्स ने, स्पेशलाइज्ड मेंटर्स ने जो शॉर्टकट्स होते हैं, और प्लस जो बेस होता है, दोनों ही डिटेल्ड में एक्सप्लेन है। राइट, फिर आपको फेज वन के लिए करंट अफेयर्स जो होंगे, फाइनेंस करंट होंगे, प्लस फाइनेंस करंट के क्विज, करंट अफेयर के क्विजेस, सब कुछ यहीं अवेलेबल हो जाएगा। साथ में स्टैटिक जीके जो कि आपका फेज वन का पेपर टू का पहला पार्ट है, वो भी यहां पे अवेलेबल हो जाएगा। राइट, यहां पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी क्या करना है, जो चीजें आती हैं, लेट्स सपोज फेज वन का पेपर वन प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर आपको आता है और आप क्वालिफाई कर पा रहे हो, तो उस पे पहले फोकस ना करके पेपर टू पे पहले फोकस करना है, क्योंकि अब भी कंटेंट बहुत ज्यादा है आपके लिए, और जो चीजें आपको आती हैं उस पे फोकस नहीं करना, जो नहीं आती उस पे फोकस करना है। ठीक, उसके बाद आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी ESI प्रॉपर डिटेल में, जो कि फेज वन पेपर टू का पार्ट है, और इसी के अंदर आपके सारे टॉपिक्स A to Z जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू से रिलेटेड हैं, ग्लोबल इकोनॉमी वगैरह, वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। साथ में ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक, समझ आ गया। फिर हमारे पास ऐसे ही कॉमर्स एंड अकाउंटिंग, एंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सारे के सारे जो कि आपका पेपर टू का पार्ट है, वो भी कोर्सेज में अवेलेबल हो गया है। फिर आता है आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव लाइफ, क्योंकि पेपर वन तो हमने क्रैक करना ही करना है, क्योंकि क्वालिफाइंग है एज वी ऑल नो। ठीक है, तो पेपर टू में आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जहां पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कैसे लिखा जाए, प्रेसी राइटिंग की कैसे हेल्प होती है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपको राउंड टू आपको इवेल्युएट करके वापसी रिटर्न भी करे जाएंगे, तो चेकिंग भी होगी। ये नहीं है सिर्फ आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिखने हैं, फ्यू डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होंगे अराउंड आई थिंक 2, वो हम आपको इवेल्युएट करके भी रिटर्न करेंगे। फिर आ जाता है एनुअल सर्वे, जिसमें आपका गवर्नमेंट बजट, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, वो सारे टॉपिक्स वगैरह कवर्ड है। ठीक है, फिर आते हैं इंडेक्सेस, फिर आ जाती है हमारे पास ई बुक्स जो कि आपके फेज वन एंड फेज टू के MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगी, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा आपको एग्जाम में। राइट, अब उसके बाद कई सारी चीजें आ जाती हैं, प्लस आपको मिलेंगे 5 comprehensive mocks, 5 comprehensive mocks मिलेंगे, जिसको आप एनालिसिस करके चेक कर सकते हो कि हाँ कौन कौन से मेरे टॉपिक सब्जेक्ट्स वीक हैं, और उन टॉपिक्स पे वर्कआउट कर सकते हैं। राइट, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट के साथ साथ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, और एक चीज और, जो बाकी चीजें रह जाएंगी आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो जो इनरोल स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे डाउट या बाकी फैकल्टी से डाउट पूछ सकते हैं बाय द डिस्कशन फॉरम। तो डिस्कशन फॉरम है जहां पे आप स्पेसिफिकली डाउट आपके रिजॉल्व होंगे। ठीक, देखो अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो ये आपके साथ प्रॉब्लम होंगी, आपको मॉक्स नहीं होंगे, आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव कहां से पढ़ोगे, प्लस जो आपके डाउट्स होंगे वो कौन रिजॉल्व करेगा, तो वो सारी मेजर प्रॉब्लम्स
वो आपकी यहां पे इस कोर्स में रिजॉल्व हो रही है, राइट। चले आगे, ये हो गया आपके सारे कोर्स की डिटेल। उससे अलावा भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आई एम हियर फॉर यू, यू कैन आस्क मी इन द टेलीग्राम और थ्रू कमेंट सेक्शन, कहीं पे आप मुझसे पूछ सकते हो। और जो भी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन पे लिख रहे हैं कल की वीडियोस पे, उनका रिप्लाई मैं करूंगा प्रॉपर आपके साथ। आई विल शेयर कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या एज क्राइटेरियाज हैं, वो सारी एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपके साथ प्रेजेंट करूंगा बहुत ही जल्दी, ठीक। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, पीडीएफ वीडियोस क्विजेस आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और अब कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे थे कि सर आरबीआई और सेबी से सिलेबस मैच नहीं हो रहा, तो इफ यू सी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश सब आरबीआई सेबी में आता है, यू नो दैट, राइट। गवर्नमेंट स्कीम्स हमारी आरबीआई में आती हैं, तो अगर आपने आरबीआई की प्रिपरेशन करी होगी तो दैट पार्ट आपका वहां कवर होगा। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आपका आरबीआई सेबी दोनों में आता है, एनुअल सर्वेज आपका आरबीआई में आता है। अगर मैं फाइनेंस मैनेजमेंट की बात करूं, आरबीआई सेबी दोनों में आता है, राइट। अगर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की बात करूं, कॉस्टिंग की बात करूं, आपका सेबी में आता है ये पार्ट। जो थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं, जो कि आईएफएससी एक्ट हो गया, जो हमारा आईपीएस से रिलेटेड सेंटर्स हो गए, वो सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो सिर्फ आपको कवर करने हैं। फाइनेंस करंट आपका सेबी का भी सिलेबस में है, आपका आरबीआई के भी सिलेबस में है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा आरबीआई और सेबी का सिलेबस मैच नहीं होता? बहुत सारा प्रपोर्शन मैच होता है, फ्यू टॉपिक्स हैं जो कि नहीं होते, वो आप यहां पे कवर कर सकते हो, राइट, ठीक है। और अब बात कर लेता हूं लास्ट में कोर्स फी की। तो अगर कई सारे स्टूडेंट्स इस फीस को देख के डर रहे होंगे कि सर इतनी एक्सपेंसिव, तो ये फीस आपको पे नहीं करनी, राइट। तो ये फीस आपको पे नहीं करनी। अगर आप वेबसाइट्स पे जाएंगे, या एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा इस कोर्स का, वहां पे जाके अचीवर 50 जो वो लगाएंगे कोड, कूपन कोड मैं अवेलेबल करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी कूपन कोड होगा 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको जो कोर्स पड़ेगा दैट विल कॉस्ट यू ओनली ₹6,000। So you have to pay only 6,000 rupees for this whole course, जहां पे आपको सारे PDFs हमारे downloadables हैं कि आप उसे download करके revise कर सकते हैं, सारी videos, सारे हमारे 5 comprehensive mock test, फिर उसके बाद descriptive test, ये सारी चीजें आपको available हो जाएंगी, right? तो अगर if you have any doubt, you can ask in the comment section. और यू कैन चेक आउट आवर वेबसाइट, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक। तो इफ यू आर टारगेटिंग दिस एग्जाम वेरी सीरियसली, तो फिर प्राइस को देखना तो एक पॉइंट ही नहीं बनता, राइट। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा देन यू विल से कि हाँ भाई अब तो हो गया, तब ये आपका जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो उसका रिटर्न होगा वो अनबीटेबल है, राइट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और सून मैं आपके लिए रिवीजन सेशंस के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस और बाकी जो आपकी क्वेरीज हैं एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, वो सारी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा जस्ट टाइम टू टाइम, ठीक है। उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।